गुड मॉर्निंग टू ऑल। टारगेट क्लास के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जो एनएम की वैकेंसी आई है उसके अंदर टारगेट क्लास के द्वारा जिसके भी जितने भी बुलेट क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिएगा, आज अपन टॉपिक लिया है एनिमा। एनिमा के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, तो इसलिए एनिमा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको नोट्स बना करके प्रिपेयर करके रेडी रखिएगा। देखते हैं सबसे पहले एनिमा का इंट्रोडक्शन, एनिमा की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर है, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूड इन लोअर बोवेल थ्रू द रेक्टम फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग मेडिकेशन या न्यूरिशमेंट कॉल्ड एनिमा। तो एनिमा क्या है? एनिमा क्या है कि एक इंट्रोड्यूस, मतलब कोई भी फ्लूड है इंट्रोड्यूस करना लोअर बोवेल, मतलब जो लोअर बोवेल है रेक्टम के अंदर, जो लोअर बोवेल है उसके अंदर कोई भी फ्लूड है उसको इंट्रोड्यूस करना, मतलब अंदर इंसर्ट करवाना, ठीक है ना। अब उसके अंदर ये एनिमा का क्यों देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, उसका पर्पज़ ये है। सबसे पहले पर्पज है क्लीनिंग, मतलब बोवेल है उसको क्लीन करना। दूसरा है कोई भी जैसे मेडिसिन है, इंट्रावेनस है, ओरल रूट है, वो नहीं जा पा रही है, इंट्रामस्कुलर नहीं जा पा रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी मेडिकेशन जैसे सपोजिटरी है उसको देने के लिए एनिमा के रूप में देते हैं। या दूसरा है न्यूट्रिशमेंट, पोषण देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना एनिमा के थ्रू। जो न्यूट्रिशन होते हैं वो रेक्टम रूट से लोअर बॉवल के अंदर कोई भी फ्लूड है, न्यूट्रिशन है, उसको क्या करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। तो ये क्या है, एनिमा। नेक्स्ट बात करते हैं, एनिमा का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो एनिमा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इवेक्वेंट एनिमा और एक होता है रिटेंड एनिमा। अब देखिएगा इसके अंदर इवेक्वेंट एनिमा और रिटेंड एनिमा। इवेक्वेंट एनिमा मतलब होता है, इवेक्वेंट का मतलब होता है खाली करना। इवेक्वेंट का मतलब क्या होता है? खाली करना। तो इसके अंदर है कि कोई भी जो लोअर बोवेल है या रेक्टम है उसको क्या करता है, वहाँ से खाली करना होता है, तो वो होता है इवेक्वेट एनिमा। दूसरा है रिटेंड एनिमा। तो रिटेंड मतलब रोके जाने वाला, रिटेंड का मतलब होता है रोका जाने वाला, ठीक है। तो अब पहले पढ़ते हैं अपन जो इवेक्यूएंट एनिमा कितने प्रकार के होते हैं। तो इवेक्यूएंट एनिमा सबसे पहले है सिंपल इवेक्यूएंट एनिमा, पहला है सिंपल इवेक्यूएंट एनिमा, दूसरा है मेडिकेटेड इवेक्यूएंट एनिमा और तीसरा है कोल्ड एनिमा। अब मेडिकेटेड इवेक्यूएंट एनिमा है वो भी आगे जाकर के सब डिवीजन के अंदर या सब टाइप में है, जिसके अंदर क्या है, ऑयल एनिमा, पुर्गेटिव एनिमा, एस्ट्रिंजेंट एनिमा, सेडेटिव एनिमा और कार्मिनेटिव एनिमा। उसके बाद में है रिटेंड एनिमा, जिसके अंदर कौन कौन से हैं, स्टिमुलेंट एनिमा, उसके बाद में न्यूट्रिएंट एनिमा, इमोलिएंट एनिमा और एनेस्थेटिक एनिमा। तो ये एनिमा आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि इवेक्वेंट एनिमा का एग्जाम्पल क्या है, तो ये देना है। रिटेंड एनिमा का जो एग्जाम्पल है कौन कौन से हैं वो ये देने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसके ऊपर अपन आते हैं। देखिएगा सिंपल इवेक्वेंट एनिमा क्या होता है, सिंपल इवेक्वेंट एनिमा इसके अंदर यूज टू स्टिमुलेट द डिफिकेशन, मतलब जिसका मल कड़ा हो जाता है, स्टूल पास नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सिंपल इवेक्वेंट एनिमा देते हैं। डिफिकेशन मतलब मल त्याग करने के लिए। दूसरा है बच्चे का जो चाइल्ड बर्थ होता है, डिलीवरी होगी तो उस कंडीशन के अंदर सिंपल इवेक्वेंट एनिमा देते हैं या रिलीव गैस एंड यूरिन, ठीक है ना, तो ये उसके लिए देते हैं। तो सिंपल इवेक्वेंट के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, डिफिकेशन और चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं कोल्ड एनिमा। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, एनिमा का मतलब होता है लोअर रेक्टम में जो बोवेल के अंदर जो फ्लूड है प्रोड्यूस करवाया जाता है, इंसर्ट करवाया जाता है। तो कोल्ड जो एनिमा है वो यूज टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, मतलब ठंडा है तो वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर जा करके जो टेम्परेचर है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इन हीट स्ट्रोक, मतलब हीट स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ, जैसे लू लग जाता है, बहुत सारी पेशेंट को लू लग जाती है, लू की कंडीशन में पूरा शरीर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोल्ड एनिमा दिया जाता है। एंड हाइपरपायरेक्सिया, जिसका जो टेम्परेचर है 105 डिग्री से भी ज़्यादा हो, फेरेनहाइट 105 डिग्री फेरेनहाइट से ज़्यादा है, उसको बोलते हैं हाइपरपायरेक्सिया। और
कोल्ड एनिमा डिक्रीज द टेम्परेचर करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑयल एनिमा। ऑयल एनिमा यूज टू सॉफ्ट फिकल मैटर इन सीवियर कॉन्स्टिपेशन। सीवियर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन के अंदर क्या देते हैं, फिकल मेटल मतलब स्टूल को सॉफ्ट बनाने के लिए देते हैं, उसको बोलते हैं ऑयल एनिमा। पुर्गेटिव एनिमा यूज फॉर स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टाइल्सिस, मतलब बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाइल्टेंट मूवमेंट, जैसे मूवमेंट पेरिस्टाइल्टेंट मूवमेंट कम हो जाते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पुर्गेटिव एनिमा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्मिनेटिव एनिमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कार्मिनेटिव एनिमा। कार्मिनेटिव एनिमा किसके लिए यूज करते हैं, यूज टू रिलीव गैसेज डिस्टेंशन, है ना, गैस के डिस्टेंशन है, गैस का फॉर्मेशन होता है तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, कार्मिनेटिव एनिमा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंथेलमेंटिक्स एनिमा। एंथेलमेंटिक्स एनिमा के अंदर क्या करते हैं, टू एक्सपेल एंड डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइन वॉर्म, जो एंटी हेलमेंटिक होते हैं तो उसके द्वारा एक्सपेल एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो इंटेस्टाइन वॉर्म होते हैं, तो उसको बोलते हैं एंथेलमेंटिक्स एनिमा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टिमुलेंट एनिमा यूज इन द शॉक एंड कोलैप्स। टीथ नहीं है यहाँ पे, ये नहीं वर्ड आएगा, यूज इन शॉक एंड कोलैप्स, कोलैप्स एंड शॉक की कंडीशन में स्टिमुलेट करने के लिए। शॉक मतलब हो जाता है कि बेहोशी की कंडीशन में हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को उसको स्टिमुलेट करने के लिए स्टिमुलेंट एनिमा दिया जाता है। न्यूट्रिएंट एनिमा फॉर द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट एनिमा किसके लिए देते हैं, न्यूट्रिशन के लिए, पोषक के लिए देते हैं। सेडेटिव एनिमा टू प्रोड्यूस मेडिकेशन बाय गिविंग द सेडेटिव ड्रग्स, जो सेडेटिव ड्रग्स देते हैं किसी को सेडेटिव करना है, बेहोशी करना है, तो ऐसी कंडीशन में सेडेटिव ड्रग्स देते हैं। एनेस्थेटिक ड्रग्स, वो भी एनेस्थेसिया बाय यूजिंग द एनेस्थेटिक ड्रग। इमुलेंट एनिमा टू चेक द डायरिया, तो इमुलेंट एनिमा का भी ध्यान रखना है कि डायरिया को चेक करने के लिए कौन सा एनिमा देते हैं, इमुलेंट एनिमा देते हैं। और दूसरा आपको कार्मिनेटिव एनिमा के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, कार्मिनेटिव एनिमा कहाँ गया, तो कार्मिनेटिव एनिमा और दूसरा है आपका ये जो इमोलिएंट एनिमा के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है इसमें। जैसे रेक्टल ट्यूब है, एनिमा की जो ट्यूब है जिसको बोलते हैं रेक्टल ट्यूब, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर एडल्ट के अंदर, स्कूल एज के अंदर और इन्फेंट के अंदर एनिमा जो ट्यूब है उसकी साइज अलग अलग होती है और अलग अलग होती है, जिसके अंदर एडल्ट के अंदर 20 फ्रेंच, ये एप लिखा हुआ ना, इस एप का मतलब होता है फ्रेंच। इस रेक्टल ट्यूब है उसको मेजरमेंट किसके अंदर करते हैं, एनिमा ट्यूब बोल दो या रेक्टल ट्यूब बोल दो, ठीक है, एक ही है, तो ये फ्रेंच के अंदर मेजरमेंट करते हैं। तो एडल्ट के अंदर 22 फ्रेंच की, स्कूल एज के अंदर 14 टू 18 फ्रेंच की और इन्फेंट के अंदर है 12 फ्रेंच की जो ट्यूब है वो यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लुब्रिकेट, जो ट्यूब है उसको लुब्रिकेट किससे करते हैं, तो लुब्रिकेट बाय द लुब्रिकेंट लाइक वैसलीन, वैसलीन होती है तो बिफोर इंसर्ट करने से पहले क्या करते हैं, लुब्रिकेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की, अब ट्यूब के बारे में साइज की बात कर ली, अब बात करते हैं टेम्परेचर। इवेक्यूंट एनिमा होता है जिसका जो टेम्परेचर होगा, जो खाली करना, इवेक्यूंट एनिमा का मतलब क्या है, खाली करना, मतलब ज़्यादा टाइम तक उसमें नहीं रखते हैं, तो इवेक्यूंट एनिमा है उसका टेम्परेचर होगा 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है कि इवेक्यूंट एनिमा के अंदर टेम्परेचर कितना रखा जाएगा उस एनिमा का, तो वो है 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा है रिटेंड एनिमा, तो रिटेंड एनिमा है उसका टेम्परेचर रहेगा एट बॉडी टेम्परेचर, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, बॉडी टेम्परेचर तो इतना ही होता है नॉर्मल, तो ये इस पे रखा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरे बात है कि जो अमाउंट है एनिमा के अंदर, जो कितना अमाउंट लेंगे उसके बारे में बात करते हैं। इवेक्यूंट एनिमा है तो इवेक्यूंट एनिमा के अंदर जो अमाउंट लेंगे वो लेंगे एडल्ट के अंदर 500 से 1000 ml, चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन के अंदर 250 से 500 ml और इन्फेंट के अंदर लेंगे 250 से बिलो, है ना, यहाँ पे लिख देना बिलो, यहाँ पे क्या लिखोगे, बिलो
बिलो 250 ml, 250 ml से कम, तो ये थोड़ा अमाउंट याद रखना है। दूसरा है रिटेंड एनिमा के अंदर जो अमाउंट है वो है 100 to 150 ml, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है कि एनिमा की कंडीशन के अंदर पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो करवाएंगे LLP, लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। इसको VVI के अंदर डाल देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है, ठीक है। हाइट की बात करें, जैसे एनिमा है, एनिमा लगाते टाइम देते टाइम में उस रेक्टल से एनिमा कैन की मतलब कितना ऊपर रखना चाहिए, मतलब उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो हाइट इवेक्यूएंट एनिमा के अंदर 45 सेंटीमीटर, यदि इंच की बात करें 45 सेंटीमीटर का इंच कितना होगा देख लीजिएगा, ठीक है, 18 इंच, तो या सेंटीमीटर में हो या इंच के अंदर हो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इवेक्यूएंट एनिमा के अंदर इतनी हाइट होनी चाहिए, रिटेंड एनिमा के अंदर जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर, मतलब 8 इंच, तो ये आप दोनों ही वर्ड ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूब इंसेट, मतलब एनिमा के अंदर जो ट्यूब है, जो एनिमा देते टाइम में ट्यूब कितना इंसर्ट करवाते हैं रेक्टम के अंदर, इंसर्ट है ना NS के थ्रू, तो कितना इंसर्ट करवाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एडल्ट के अंदर है 7.5 से 10 सेंटीमीटर, चिल्ड्रन के अंदर है 5 to 7 सेंटीमीटर, और इन्फेंट के अंदर है 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इस सेंटीमीटर को इंच के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वन इंच इक्वल 2.5 सेंटीमीटर, तो यदि क्वेश्चन आपका इंच में आए या सेंटीमीटर में आए तो आपको ध्यान रखना है, 1 inch = 2 cm, 2.5 सेंटीमीटर, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर अपन क्या क्या पढ़ें, ट्यूब इंसर्ट कितना करेंगे अलग अलग, जैसे एडल्ट है, चिल्ड्रन है, इन्फेंट के अंदर, दूसरा है एनिमा कैन की हाइट कितनी होनी चाहिए उसके बारे में पढ़े, पोजीशन पढ़े कितना अमाउंट देते हैं उसके बारे में पढ़े, टेम्परेचर के बारे में पढ़े, और उसके बाद में रेक्टल ट्यूब की साइज़ के बारे में पढ़े। तो ये एक एनिमा देने के लिए जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो है, दूसरा कौन सा एनिमा किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है ये आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो इसको अच्छे से आप नोट्स बनाइए। आज इतना ही, धन्यवाद।